अच्छा स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला मॉडल था जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसी भी एटॉमिक मॉडल के लिए, यानी एटम का इससे पहले कोई मॉडल मौजूद नहीं था। हाँ, एटम के बारे में इतना जरूर पता था कि हमारे पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब ये होते किस जगह पर हैं, इनके बारे में कुछ सही से मालूमात नहीं थी, यानी ये सब क्वेश्चन मार्क चीजें थी। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसके अंदर एक थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमारे पास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। यानी हमारे पास ये जो येलो कलर की आपको चीज नजर आ रही है, ये बेसिकली हमने गोल्ड फॉइल को डेजिग्नेट किया। इसने क्या किया, एक अपरेटस बनाया जिसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम ले लिया और पोलोनियम से निकलने वाली अल्फा रेजेज, ये जो ग्रीन कलर की रेजेज आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली हमारे पास अल्फा रेजेज है। और इन अल्फा रेजेज की जो अल्फा रेज है, ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से इमिट आउट हो रही है और गोल्ड फॉइल पे जा रही है। इसने ये बात नोट करी कि ज्यादातर जो हमारे पास रेजेस थी वो विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के बड़ी आराम से क्रॉस कर गई इस गोल्ड फॉइल को। यानी मैक्सिमम जो इसकी सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आई वो यही थी कि मैक्सिमम जो हमारे पास रेजेस थी वो विदाउट किसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस कर गई थी। दूसरी जो इसने ऑब्जर्वेशन करी, दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर वन, आपको आगे तफसील से समझाएंगे कि इन ऑब्जर्वेशंस का फायदा क्या हुआ। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि ज्यादातर जो हमारे पास अल्फा रेजेस थी वो क्रॉस कर गई ये थिन गोल्ड फॉइल। दूसरी इसने ऑब्जर्वेशन की कि कुछ जो थी वो हमारे पास किसी न किसी वेरिंग डिग्री ऑफ एंगल से जा रही थी। और इसने फिर एक और चीज ये ऑब्जर्व करी कि कुछ वाकई पूरा का पूरा रिवर्स बैक चली गई थी। अब ये जो पूरी पूरी रिवर्स बैक जा रही है, इनकी क्या कहानी है, 1, 2, 3 ऑब्जर्वेशन, इससे क्या पता चल रहा था रदरफोर्ड को। देखिए, रदरफोर्ड का बेसिक एक्सपेरिमेंट तो यही है कि आप थिन गोल्ड फॉइल लें और उससे स्कैटरिंग करवा दें अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा के बीम्स की, अल्फा रेजेस की। अब हुआ क्या, हमारे पास जब इसने देखा ज्यादातर आपके पास उसी तरीके से वापस आ गई। अगर हम इसकी एक और डायग्राम देखें तो हमें बात समझ में आई, ज्यादातर जो रेजेस थी उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं किया और वो स्ट्रेट अवे चली गई। ये जो पहली ऑब्जर्वेशन है, इससे ये चीज पता चल रही है कि हमारे पास एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है एम्प्टी है, यानी वो खाली है। कुछ रेजेस जो वापस रिवर्स बैक आई हैं वो क्या बताती हैं स्टूडेंट्स, अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये जो वापस टकरा के आ रही है, एटम के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो इसने बताया कि एटम का जो सारा का सारा मास है वो बेसिकली एक डेंस रीजन में मौजूद है, और उसने उस डेंस रीजन को नाम दे दिया न्यूक्लियस। और ये बताया कि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमें ये डिफ्लेक्शन शो होता है। एक और चीज जो नोट करी गई थी कि वो जो वेरिंग डिग्रीज में आ रहे थे, मतलब कुछ रेजेज ऐसी थी जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग एंगल्स की तरफ जा रही थी, यानी उनका कोई मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं था, बस वो कभी किसी तरीके डायरेक्शन में रैंडम डायरेक्शन में जा रही थी। उसने इस रैंडम डायरेक्शन से ये बात निकाली कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि डेविएट करवा रहे हैं इन पॉजिटिव रेज को, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रोटेट करते हैं, और एक साथ इसने ये बताया कि ये स्पिन भी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स स्पिन भी करते हैं प्लस रोटेट भी करते हैं एटम के अंदर, और ये एटम के अंदर किसी न किसी खास मैनर में मौजूद है। किस मैनर में मौजूद है ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, बस इतना बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे पास रोटेट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे रोटेट कर रहे हैं ये नहीं बताया। न्यूक्लियस के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे दी कि हमारे पास न्यूक्लियस एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत ज्यादा डेंस मास रीजन है, जिसके अंदर हमारे पास मौजूद है कोई प्रोटॉन मौजूद है, और ये बताया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी स्पेस है, यानी एटम ज्यादातर हमारे पास एक खाली ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी डायग्राम को हम समझें तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड हमारे पास एटॉमिक मॉडल कुछ ऐसा हमारे जहन में बनता है कि एक एटम है जिसके दरमियान में एक डेंस रीजन मौजूद है, उस डेंस रीजन में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है हमारे पास, या ये जो डेंस रीजन हमारे पास है इसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज है, और इसके अराउंड, इस डेंस रीजन के अराउंड हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी तरीके से रोटेट कर रहे हैं।
कैसे रोटेट कर रहे हैं इसके बारे में तफसीलात इसने नहीं बताई थी। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का तस्वुर रखा जाए और इस मॉडल का तस्वुर रखा जाए जो रदरफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया, तो साइंटिस्ट ने इस मॉडल के अंदर से दो मेजर डिफेक्ट्स निकाल लिए। सबसे मेजर डिफेक्ट जो इस एक्सपेरिमेंट का साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया वो डिफेक्ट ये था कि हमारे पास जो सबसे पहली चीज कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब ये तो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है तो, और एक और बात, ये न्यूक्लियस के ऊपर तो प्लस चार्ज है तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींच भी रहे होंगे, तो जैसे जैसे एनर्जी जैसे जैसे ये एनर्जी रिलीज कर रहा है क्योंकि चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, तो एक वक्त आएगा इसका एनर्जी कंटेंट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही इसका एनर्जी कंटेंट डिक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक कायरल पाथ बनाएगा और एक वक्त आएगा कि ये न्यूक्लियस के ऊपर ड्रॉप कर जाएगा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। दूसरा एक और बड़ा मसला साइंटिस्ट ने जो निकाला वो ये निकाला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है और ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी से कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी से और फ्रीक्वेंसी का कोई ना कोई रिलेशन होगा वेवलेंथ से, तो ये कोई ना कोई स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो ये जो बनने वाला स्पेक्ट्रम होगा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, जबकि स्टूडेंट्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे पास ये जो स्पेक्ट्रम बनता है एटम के अंदर वो तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो दो मेन डिफेक्ट्स आ गए रदरफोर्ड के, कि सबसे पहला डिफेक्ट तो ये आ गया कि अगर एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट हो रही है तो एक वक्त आएगा ये स्पायरल पाथ बनाएगा और गिर जाएगा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पायरल पाथ नहीं बनाता, ना ही वो न्यूक्लियस के ऊपर जाके गिर जाता है, ये पॉइंट गलत। दूसरा, अगर कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करेगा तो डेफिनेटली आपके पास जो स्पेक्ट्रम जनरेट होगा वो कंटिन्यूस होगा, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये था स्टूडेंट एक समराइज मॉडल जो हमने आपको बताया रदरफोर्ड के हवाले से। अगर आपको इसी तरह और इस एक्सपेरिमेंट देखने हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी और वीडियोज़ भी देख सकते हैं।